गोंडा में वायरल हो रहे वीडियो का सच सामने आ गया है। वायरल वीडियो में एक महिला आरोप लगाते हुए कह रही है कि विशाल सिंह नामक व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर जौनपुर भगा ले गया था और उसका शारीरिक शोषण किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो विशाल सिंह उसे जौनपुर में छोड़कर भाग आया। महिला ने अपने वीडियो में मनकापुर थाने की पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा था कि जब इसकी शिकायत के लिए थाने गई तो पुलिस ने उसकी एक न सुनी और धमकाते हुए उसे थाने से भगा दिया। मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारा जीऊँ, किसकी बलबीर हूँ? ना तो मुझे हिस्सा दे रहे हैं, ना ही तो विशाल सिंह को मेरे सामने हाजिर कर रहे हैं और घर जाने के लिए बोल रही हूँ तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राम जी को पता है, मनकापुर थाने दारों को पता है, दरोगा को पता है कि विशाल सिंह कहाँ है, फिर भी नहीं गिरफ्तार कर रहे मुजरिम को, मुझे ही उल्टा धमकी दे रहे हैं। अब इस वीडियो में कहे गए झूठ का सच सामने आ गया है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने गहराई से जांच की तो वाकया कुछ और ही निकल कर आया। पुलिस के तफ्तीश में पता चला कि जिस लड़के विशाल सिंह पर महिला बहला फुसलाकर भगा ले जाने और शारीरिक शोषण का आरोप लगा रही है, वो लड़का नाबालिग है। उसकी उम्र 15 वर्ष है। लड़के की मां ने मनकापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज करा रखी थी। महिला के आरोपों की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महिला राधा वर्मा नाबालिग लड़के विशाल को नौकरी के नाम पर बहला फुसलाकर जौनपुर ले गई थी और वहां पर अपने एक अन्य पुरुष साथी मोनू मौर्या के साथ इसका शोषण करती थी। पुलिस ने यह भी पता लगाया है कि महिला पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे की मां है। पुलिस ने जांच में पाया कि मनकापुर थाना क्षेत्र के नंदगांव की रहने वाली आरोपी महिला राधा वर्मा नाबालिग लड़के विशाल के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से नौकरी के नाम पर नाम पता और उम्र में बदलाव कराया, जिससे इस नाबालिग लड़के से आर्थिक लाभ कमाया जा सके। सूत्रों से ये भी पता चला है कि महिला ने लड़के के घर वालों से सुलह के नाम पर 2 लाख रुपयों की डिमांड भी की थी और जब पैसे नहीं मिले तो इसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बहरहाल पुलिस ने इस महिला पर धारा 363, 419, 420, 467 और 500 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और महिला को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया। डरे सहमे नाबालिग लड़के विशाल सिंह ने बताया कि महिला राधा ही उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर जौनपुर ले गई थी। वहां पर अपने साथी मोनू मौर्या के साथ मिलकर उसका शोषण करती थी। वह किसी तरह वहां से वापस अपने घर आ ही रहा था कि पुलिस ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। यहां आया तो पता चला कि उसकी मां ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। यहां पर आकर पूरे मामले की जानकारी हुई तो वो डर गया। पुलिस को धन्यवाद कहते हुए विशाल सिंह ने बताया कि पुलिस के जांच से ही सच सामने आया है, जिससे वो बच सका। तो हमको ले गई बहला फुसला के, मम्मी हमारी चली गई थी मौसी के यहाँ, तो हमको ले गई जौनपुर, बोली चलो तुम्हारा नौकरी लगवा दे रही हूँ। तो हम सर वहाँ पर गए तो उनका एक आदमी जान पहचान वाला वहाँ था, तो सर हम जब वहाँ पर गए तो उनके साथ घूम रही थी, हमको इधर उधर बोल रही थी कि जाओ घूम लो तुम भी। तो सर हम वहाँ पर घूम रहे थे सर, फिर वो बोली मारने पीटने की धमकी दी राधा और मुन्नू मौर्या ने, तो हम फिर वहाँ से कुछ दिन बाद चोरी से भाग गया। हम घर जा रहे थे तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया, फिर पता चला कि मम्मी हमारी मुकदमा लिखा चुकी थी। जिस तरह मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था उस तरह मनका पुलिस गोंडा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।